धावरा मुख्यालय से ये गांव हम लोगों का चैनपुरा 4 किलोमीटर का दूरी है। ये गांव एक चैनपुरा 4 किलोमीटर सिर्फ दूरी है सर। और यहाँ जो भी हम लोगों का यहाँ से रहन सहन दवा बीरो और 5वां 6वां पास करने के बाद अधौरा में ही हाई स्कूल है। लेकिन आज तक से आज़ादी के बाद आज तक से अभी हम लोगों का अधौरा और चैनपुरा के बीच में सड़क नहीं बन पाया। कोई भारत सरकार आज तक 1 रुपया किसी में काम नहीं कराया। महल्ला बन गल जलनी अब पानी हतनो नहीं खे मिलत कि पानी पीह आदमी। अब वही नारा पर से ले हूजा सब से लुगर वहाँ से पानी ले पानी पियल जाये। अब पानी नहीं खे खेतना है कुल मोहल्ले पानी नहीं खे मिलती है कह हाँ हाँ पानी नहीं खे मिलत सब यही कल कल भर बना। अब जहाँ नारा पर से पानी ले काफी समस्या पानी के लिए तो पीने के लिए पकवान में पानी बा घर में नहीं पानी। अच्छा पानी नहीं मिलेगा तो तरह तरह की बीमारी हो जाएगी एकदम कहीं के बाद पानी नहीं पे पनिए तो जान बा। हाँ पनिए जान बा भोर में नहीं पानी पियब सवेरे नहीं पानी पियब तो मध्य इतना कमजोर आदमी बाना बाबू। आप पढ़ी भी हैं, आप पढ़ाई की हैं? ना ही बाबू हम का बूढ़ आदमी पढ़ो। मैं पहले आप पढ़े थे? अरे हाँ वही तरह बीता तरह है क्योंकि आप इतना समझ ले रही हैं कि पानी नहीं मिलेगा ना तो जो है कि तबीयत खराब होगा तरह तरह का बीमारी होगा। हाँ, ये चीज आपको पता है? हाँ हाँ तरह तरह की बीमारी बा। पानी बिना ये चीज सरकार को पता होनी चाहिए कि अगर पानी नहीं मिलेगा ना तो सोचिए कि लोगों के पास में तरह तरह की बीमारियां होंगी। बिहार सरकार के जो जल मंत्री हैं इस वक्त में बने हुए बन के बैठे हुए हैं, जरा देखिए कि बिहार की क्या तस्वीरें हैं। ये आपका गांव कौन सा था? बिदुरी। किस विधानसभा में आता है? चैनपुर विधानसभा में। तो ये चैनपुर विधानसभा का बिदुरी गांव है और यहाँ की देखिए ये दादी बता रही है कि पानी नहीं हम लोग को स्वच्छ मिल पा रहा। कई किलोमीटर दूर से सफर तय करके पानी को हम लोग लाते हैं तो पीते हैं और सही अगर गुणवत्ता में पानी हम लोग को नहीं मिल पाएगा, अगर स्वच्छ पानी हम लोग नहीं पी पाएंगे तो तरह तरह की बीमारियां होंगी, अस्पताल में जाना पड़ेगा, पैसा का खर्च होगा। और वो पैसा आएगा कहाँ से? क्या कभी बिहार सरकार के मंत्री सोचते हैं? बिहार सरकार में दो राजकुमार कभी सोचते हैं? बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कभी सोचते हैं कि ऐसे हमारे बिहार के लोग कैसे जी रहे, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, आज की परिस्थिति परिवेश कैसा है हमारे बिहार में? कभी इसका सर्वे क्या हमारे मुख्यमंत्री ने किया है? लेकिन हम आ रहे हैं, हम आकर धरातल से दिखाने की कोशिश करें ताकि हमारे माध्यम से शायद सरकार देख ले और शायद कुछ कोशिश कर दे कि इन तक हमें क्या करना चाहिए और हमें सही तरीके से विकास कैसे करना है। शायद उसके आंखों की जो पट्टी है वो निकल के बाहर आ जाए और वो देख सके अपनी आंखों से कि बिहार में क्या चल रहा है। तो मेरा ये कोशिश था, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।